नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का मौसम जानिए। छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते पेंड्रा में कच्चा मकान भर भराकर गिर गया। हादसे में पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 8 साल का बच्चा भी घायल हुआ है। वहीं बारिश के चलते बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक के कच्चा गाँव में बनी पुलिया धंस गई है। यह सड़क प्रदेश में आज से भारी बारिश की गतिविधियों के कम होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। शनिवार को रायपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। प्रदेश में 1 जून से अब तक 673 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 11% ज्यादा है। प्रदेश में 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन के 64 दिनों में 673 मिली पानी गिर चुका है। यह सीजनल औसत का 59% है। बचे हुए 58 दिनों में 466.4 मिली पानी की जरूरत है। इतना पानी बरस गया तो छत्तीसगढ़ में मानसून का कोटा पूरा हो जाएगा। वहीं प्रदेश के बांध भी लगभग फुल हैं। इनसे रोजाना पानी छोड़ा जा रहा है। पेंड्रा में कच्चा मकान भर भराकर गिर गया। हादसे में पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। पति पत्नी की मौत, 8 साल का बेटा घायल। जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार सो रहा था। इस दौरान काफी तेज बारिश हो रही थी। मकान कच्चा था, इसलिए बारिश झेल नहीं पाया और गिर गया। हादसे में दिनेश वाकरे 45 वर्ष और पत्नी शारदा बाई 35 वर्ष की मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं उनका 8 साल का बेटा घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पढ़ें पूरी खबर। कुसमी ब्लॉक के कच्चा गाँव में बनी पुलिया धंस गई। यह सड़क चांदो मुख्य मार्ग से झारखंड को जोड़ती है। पुलिया टूटने से आसपास के कई गांवों के लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है। मनेन्द्रगढ़ में उफान पर बनास नदी। मनेन्द्रगढ़ में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बनास नदी के पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है। इसके चलते जनकपुर कोटा डोल मुख्य मार्ग बंद है। नदी के एक ओर एम्बुलेंस फंस गई है। बनास, पतले और गोहरारी तीनों पुलों के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पानी के कारण नदी के एक ओर तहसीलदार मनहरण राठिया को लौटना पड़ा। बनास नदी के पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है। जनकपुर कोटा डोल मुख्य मार्ग बंद है। बालोद के तांजुला जलाशय का खूबसूरत नजारा ओवरफ्लो होने वाला है। तांजुला डैम, छत्तीसगढ़ में हो रही भारी बारिश से बालोद का तांजुला जलाशय ओवरफ्लो होने वाला है। ये डैम लोगों की प्यास बुझाने के साथ ही पर्यटन के नजरिए से भी अहम है। भरने के बाद डैम काफी खूबसूरत दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोई हादसा ना हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सिकासेर डैम जुलाई में हुई बारिश से 91.81% तक भर चुका है। सिकासेर डैम करीब 92% भरा। गलियाबंद का सिकासेर डैम जुलाई में हुई बारिश से 91.81% तक भर चुका है। इससे पहले डैम में महज 20% पानी था। सिंचाई विभाग के ईएस के बर्मन ने बताया कि 90% तक भराव बना रहे, इसके लिए 2000 क्यूसेक की स्पीड से रोजाना पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बिजली उत्पादन भी बढ़ा है। दुर्ग में नाली जाम होने से जल भराव। दुर्ग जिले के भिलाई शहर में शनिवार सुबह झमाझम बारिश हुई। महज 1 से 1.5 घंटे की बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। बारिश ने भिलाई नगर निगम की अव्यवस्था और साफ सफाई की पौल भी खोल कर रख दी। खुसीपा, सुपेला, कोका और कई अन्य इलाकों में नालियां जाम होने से पानी सड़क तक आ गया। पढ़ें पूरी खबर। जुलाई में औसत से 27% ज्यादा पानी गिरा। प्रदेश में 8 जून को मानसून आने के बाद भी करीब 15 दिन कमजोर रहा। 24 जून के बाद सिस्टम सक्रिय हुआ। इसके बाद भी बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई। 30 जून तक महज 136.3 मिली पानी गिरा था। यह औसत से 30% कम था। बारिश के लिहाज से जुलाई की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पहले पखवाड़े में कम पानी गिरा। दूसरे पखवाड़े के 18 जुलाई से मौसम की गतिविधियां शुरू हुई। इसके बाद अच्छी बारिश हुई। जुलाई के औसत 375.4 मिली की तुलना में इस साल 478.1 मिली पानी गिरा। महीने के औसत से करीब 27% ज्यादा पानी गिरा। इस बारिश ने जून और जुलाई के पहले पखवाड़े की कमी पूरी कर दी। अगस्त में अच्छी बारिश के आसार। दोस्तों, प्रदेश में जुलाई के बाद अगस्त में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है। मौसम विज्ञानियों को उम्मीद है कि इस महीने 300 से 350 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए। इससे सितंबर में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 175 से 200 मिली पानी गिर जाता है तो मानसून सीजन का कोटा पूरा हो जाएगा। द्रोणिका चक्रवात के असर से वर्षा। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी कांचन के मुताबिक अगले कुछ दिन अच्छी बारिश की संभावना है। एक मानसून द्रोणिका गंगानगर, रोहतक, हरदोई, वाराणसी, देहरी, बांकुरा से बंगाल की खाड़ी तक है। पश्चिम बंगाल और आसपास एक चक्रवात है। सिस्टम के असर से अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होगी। शनिवार को ऐसा रहा तापमान। दोस्तों, प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण दिन का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम है। रायपुर में दिन का पारा 26 डिग्री रहा, जो औसत से 4.3 डिग्री कम था। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.7 डिग्री कम रहा। अंबिकापुर में 24.9 डिग्री रहा, जो औसत से 4.3 डिग्री कम है। वहीं दुर्ग में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो औसत से 4.9 डिग्री कम था।